हेलो बच्चों, वेलकम टू लर्न एट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, सबसे पहली बार दर्शन देता है ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में, इसके पहले नहीं मिलता है, तो बहुत से बच्चों को बहुत टफ लगता है ना, पसीने छूट जाते हैं इसको करने में। लेकिन आप लोग डरिए मत, बहुत ईजी है। चलिए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, बहुत जरूरी है ना समझना। तो ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the measurement of angles and problems allied with angles। समझ में आया आपको कुछ? देखो है क्या एग्जैक्टली कि ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स का ब्रांच, बहुत सारे ब्रांच ना मैथमेटिक्स में। आप लोग एलजेब्रिक कैलकुलेशंस करते होंगे तो एलजेब्रा अलग, ट्रिग्नोमेट्री पहली बार 10th क्लास में मिलता है। तो इस तरीके से ये भी एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है। करता क्या है? तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, एंगल्स कहाँ मिलेगा? ट्राइंगल में मिलेंगे। बेसिकली ट्राइंगल के एंगल्स का मेजरमेंट यहाँ पे करेंगे हम, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जिसमें हम सॉल्व करें वो ट्रिग्नोमेट्री। बहुत सिंपल डेफिनेशन। चलिए तो क्या पढ़ेंगे हम इसमें? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो रेशियो आपने बच्चों वाली क्लास में पढ़ी होगी। रेशियो लाइक सिमिलर चीजों का हम लोग कंपेरिजन करते हैं तो रेशियो निकालते हैं, याद आ रहा थोड़ा थोड़ा? जैसे कि अरे भूल गए क्या, तो जैसे 12/6 है तो इस रेशियो को आप 2:1 बोल देते हो, ऐसा कुछ आपने सीखा होगा? नहीं आता, भूल गए। अच्छा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देखो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है क्या, कैसे किसको किससे रिलेट करना है। एज यूजुअल जैसे कि हमने समझा अपने डेफिनेशन के अंदर, ये करेगा क्या भाई, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, इन चीजों का ध्यान से देखिएगा। एंड प्रॉब्लम अलाइड विद एंगल्स, और एंगल्स रिलेटेड प्रॉब्लम कहां, तो एक ट्रायंगल के अंदर, वो यहां पे लिखा नहीं, आगे मिलेगा आपको। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इट गिव्स रिलेशन बिटवीन एक्यूट एंगल। अब ये बड़ा स्पेशल टाइप का एंगल लिखा मैंने, एक्यूट एंगल। मालूम है एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? वो एंगल जिसका मेजरमेंट 90 से लेस हो और ग्रेटर हो 0 से, उसको आप एक्यूट एंगल बोलेंगे। लाइक 30 डिग्री एक्यूट एंगल, 20 डिग्री एक्यूट एंगल। ये सारे मतलब कि जो 0 से बड़े हो और 90 से कम हो, दैट इज योर एक्यूट एंगल। एंड साइड्स, साइड्स तो सबको पता है ना, ऑफ राइट ट्राइंगल। हाँ, यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का ट्राइंगल मैंने लिखा है, राइट ट्राइंगल। पता आपको राइट ट्राइंगल क्या होता है? नहीं पता? अरे वो ट्राइंगल इसमें एक एंगल 90 का हो, वेरी सिंपल, दैट इज अ राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल अगर आप ड्रॉ करना चाहे तो देखिए, ये एक राइट ट्राइंगल है कि नहीं है? बिल्कुल है। नाम लिखना होगा, देखो ए बी सी इज योर राइट ट्राइंगल। तो इसमें एक एंगल 90 का दिख रहा है आपको, ये वाला 90 का है, तो ये तो 90 है ना, तो बच्चे ये एक्यूट होंगे 100% इसका, और इसका मेजरमेंट लेस देन 90 ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये दोनों एक्यूट एंगल हो गए। किसके अंदर? राइट ट्राइंगल के अंदर। तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल के साइड से किस तरीके से रिलेट होंगे, ये हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर। क्लियर हुआ इतना? अच्छा, अब बात अगर राइट ट्रायंगल की हो ही गई है तो आपको एक बहुत प्रसिद्ध थ्योरम, वेरी पॉपुलर, वेरी फेमस पाइथागोरस थ्योरम याद है कि नहीं है? बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है मालूम? तो आप इसे ऐसे याद रखते थे, देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसका बहुत ज्यादा यूज होगा यहाँ पे, और ये तभी जब ट्रायंगल राइट ट्रायंगल हो, किसी और मत घुसेड़ देना इसको वरना फंस जाओगे, समझ गए? तो हाइपोटेनस, देखो एक टेढ़ी वाली लाइन जो दिखती है ना आपको, दिस इज योर हाइपोटेनस। मतलब ऐसे समझो कि 90 डिग्री के सामने जो साइड दिखता है वो हमेशा हाइपोटेनस होता है, ऑलवेज, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कहीं फंसना ही है। 90 के सामने वाले साइड को पकड़ लो, दैट इज योर हाइपोटेनस। लेकिन अगर बात करें ना परपेंडिकुलर और बेस की, तो ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा घपला है। कभी कभी आप तो बोलोगे सर ए बी बेस है, बट नहीं है आपके लिए ए बी बेस, लेकिन वो एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि आप किस एंगल को पकड़ रहे हो अपने कैलकुलेशन के लिए। तो सुनिए ध्यान से बात बहुत केयरफुली, अगर आपका एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन ए रहेगा तो ए के सामने जो साइड दिखेगी दैट इज योर परपेंडिकुलर, और ए के साथ में जो साइड देखेंगे दैट इज योर बेस। नहीं है इसमें? देखिए 90 के सामने हाइपोटेनस हमेशा, जिस भी एंगल की बात करें, एक्यूट एंगल दो हो गया ना, एक ये और एक ये, अगर हम एक्यूट एंगल ए को लेते हैं तो ए के सामने जो दिखता है वो परपेंडिकुलर है, और ए के साथ में जो दिखता है वो बेस है।
लेकिन अगर ये फिगर में ऐसे ड्रॉ कर लू, देखो ध्यान से, फिगर ये ड्रॉ करूंगा, एंगल चेंज कर दूंगा, देखने का एंगल चेंज कर दूंगा, बी सी, देखो ये तो 90, तो 90 के सामने हाइपोटेनस हो गया है, हाइपोटेनस। अब आप यहां से देखो, मतलब आपकी आंख यहां पे है, तो इसके सामने जो आपको दिख गया ये परपेंडिकुलर है, और इसके साथ में जो आपको दिख गया ये बेस है। कितने क्लियर हुआ? तो पाइथागोरस प्रम तो यही होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बट आई थिंक आपने एक यही चीज देखी कि किसको परपेंडिकुलर बोलना है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 90 के सामने हाइपोटेनस, जिस एक्यूट एंगल को आप देखोगे, जिस एक्यूट एंगल के लिए आपको कैलकुलेशंस करनी है, उसके सामने परपेंडिकुलर, समझे, उसके नीचे मतलब उसके साथ वाला बेस। तो अगर ए को पकड़ते हो तो ए के सामने परपेंडिकुलर और ए के साथ में बेस, अगर सी को पकड़ते हो तो सी के सामने परपेंडिकुलर और सी के साथ में बेस। इतनी बातें क्लियर है? ओके, चलो अब देखो क्या है कि जैसे लिखा हुआ है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, टीआर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है ना, ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल कैसे होता है, तो देखते हैं, इसको समझते हैं, हाउ एंगल विल रिलेट टू साइड, है ना, इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर एक सिंबल मैंने यूज किया, सिंबल यूज किया इसको, देखो इसको थीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थीटा, आप लोग लिख लेना, इसको हम लोग थीटा पढ़ेंगे आपसे, कुछ नहीं है, बस एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। देखो थीटा यहाँ बनाते, उसको एंगल ए भी बोलेंगे तो चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल आप लोग ये पता करिए, ऐसे सिंबल्स आपको बहुत मिलते हैं, तो ये थीटा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा, देखो ये थीटा एक्यूट है कि नहीं, बताया तुमने ये 90, तो ये और ये दोनों एक्यूट, तो ठीक है, हम इसके लिए अपना आगे का समझते हैं कि कैसे क्या करना है। तो थीटा इन राइट ट्रायंगल एबीसी डिफाइंड है, कैसे डिफाइन करेंगे वो देखो। अच्छा, उसके पहला पेज से समझो कि जैसे ही एक ट्रायंगल बना, राइट ट्रायंगल बना, तो एक तो 90 फिक्स हो गया, अच्छा अब ये और ये दोनों एक्यूट होंगे, तो वो इस एंगल के लिए आपको कैलकुलेशंस देने हैं, तो एक साइड आपको दिखता है इस एंगल के अपोजिट में, यहां पे लिखा हुआ है, देखो क्या साइड अपोजिट टू थीटा, थीटा के अपोजिट वाला साइड, और ये आपको दिख रहा है थीटा के साथ वाला साइड, इसको आप बोलेंगे साइड एडजेसेंट टू थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन कैसे किए गए, कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, थोड़ी चीज तो याद रखनी पड़ती है ना। देखो साइन ऑफ थीटा मतलब इस थीटा का साइन कैसे लिखा जाता है, बड़े ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, साइड अपोजिट टू थीटा अपॉन हाइपोटेनस। इसमें जरा देखो थीटा के अपोजिट में आपको कौन सा साइड दिखा, ट्रायंगल का ये दिख रहा है, बीसी दिख रहा है, तो ये है आपका बीसी अपॉन हाइपोटेनस, को ये रहा 90 के सामने हाइपोटेनस, तो एसी जो हाइपोटेनस, तो आप यहां पे लिख देंगे एसी बड़े आराम से। कोसाइन ऑफ थीटा कैसे डिफाइन किया गया, तो रेशियो है किसका किसका, देखो साइड एडजेसेंट टू थीटा, ये थीटा है, इसका एडजेसेंट साइड कौन, एबी, तो यहां पे आप लिखेंगे एबी अपॉन में क्या हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन है, वो तो एसी है ना, वो कभी नहीं बदलता, बड़ा डीट है, वो कभी चेंज नहीं होता, यही दोनों बदलते रहते हैं, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई सा भी एंगल ले लो। चलो इधर देखो टेंजेंट ऑफ थीटा, तो टेंजेंट ऑफ थीटा क्या है, साइड अपोजिट टू थीटा और साइड एडजेसेंट टू थीटा का रेशियो है ना, तो साइड अपोजिट टू थीटा कौन सा, ये रहा थीटा अपोजिट, ये देखिए बीसी है के लिए, ये है आपका बीसी अपॉन में, एडजेसेंट कौन हो गया, ये रहा एक, ये रहा आपका एडजेसेंट साइड ए बी। चलो अब इसके पहले जो हमने डिस्कस किया था क्या, कि एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन के अपोजिट वाले को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, याद आ रहा है, भूल गए, तो बीसी देखो कहां है, इसके अपोजिट में, इसको हम पी बोल सकते हैं, दिस इज आवर परपेंडिकुलर। एसी देखो कहा है, 90 के सामने, 90 के अपोजिट, तो 90 के अपोजिट वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, तो ये रहा हाइपोटेनस। आगे देखो एबी क्या है, एबी देखो एबी, एबी एंगल के साथ में, तो एंगल के साथ वालों को आप बेस बोल रहे थे ना, तो इसको आप बोलेंगे बेस, और एसी तो हाइपोटेनस है, कोई समस्या नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर देखो बीसी इज अगेन योर परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर है, और एबी क्या है, एबी क्या है, अरे बेस है, एबी बेस है, तो ये रहा बेस। तो ये चीज आपको समझ में आएगी, ये बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा।
तो देखो साइन ऑफ थीटा पी बाई एच ऐसे याद रखेंगे अपना, है ना, कोसाइन ऑफ थीटा बी बाई एच, अच्छा टेंजेंट ऑफ थीटा पी बाई बी, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो सर इतने बड़े बड़े नाम रखे याद किया, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि तो इसके पीछे में बहुत ब्यूटीफुल हिस्ट्री है। साइन कब आया, कोसाइन कब आया, टेंजेंट कब आया, बहुत अच्छी हिस्ट्री है, वो मैं आपको कभी बताऊंगा। आर्यभट्ट एक मैथमेटिशियन थे, आपको मालूम है ना, उनके बुक है आर्यभट्टियम, उसमें सबसे पहले इसका जिक्र मिला था कुछ ऐसे करके। तो इस हिस्ट्री है वो हम लोग फिर कभी देखेंगे, अभी इतना समझिए आप लोग। अच्छा इसको ना इतना लंबा नहीं याद रखते हम लोग साइन ऑफ थीटा, नहीं इसको शॉर्टकट में बनाया गया। देखो क्या बनाया गया, साइन थीटा बोला गया, कोसाइन ऑफ थीटा उसको कॉस थीटा बोल दिया गया, टेंजेंट ऑफ थीटा उसको टेन थीटा बोल दिया गया, और ये हो गया फिर पी बाई एच, ये हो गया फिर बी बाई एच, और ये हो गया फिर पी बाई बी। यहां पर आपको पी बी और एच का मीनिंग तो मालूम, ए फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, हो गया। अच्छा और है, और क्या है, तीन और है, छह ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, कितने हुए हैं, हाँ सिक्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आ रहे हैं, तीन मैंने लिखे, बाकी क्या है वो भी आपके सामने जस्ट आ रहे हैं, परेशान मत होइए। लेकिन उसके पहले देखो, लोगों ने ये याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, तो याद करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है मेरे पास, देखिए कैसे। तो देखो ये मैंने लिखा सारे, ठीक है, चॉकलेट, अच्छा बोर्ड बोर्ड के बाहर चला जाएगा, इधर लिख लेते हैं सारे चॉकलेट तुम्हारे, सारे चॉकलेट तुम्हारे, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, पापा बड़े प्यारे, और आगे देखो हाँ हाँ बोले, अब ये क्या है सर, तो सबका फर्स्ट लेटर पकड़ लीजिए, देखो एस सी टी पी बी पी एच एच बी, है ना, एस को हम लोग बोलेंगे साइन, ठीक है। अब एंगल यहां पर कुछ भी हो सकता है, थीटा थीटा लिखिए, ए है ए लिखिए, बी है बी लिखिए, उस सब फर्क नहीं पड़ता है। तो साइन हो गया, यहां पे देखो ये कॉस हो गया, और यहां पे देखो ये टैन हो गया। अब इन दोनों को देखो, पी और एच है ना, तो आप लिखेंगे पी बाई एच, बी और एच है ना, आप लिखेंगे बी बाई एच, और पी और बी है ना, आप लिखेंगे पी बाई बी। तो याद हो गया क्या, और क्या, तो आपको ये याद रखना, ऐसे तो कोई बच्चे याद करते हैं, बाबा एक्सेप्ट है, सारे चॉकलेट तुम्हारे, पापा बड़े प्यारे, हाँ हाँ बोले, हो गया यार। तो S for sin, P by H, C for cos, B by H, T for tan, B by P, ये रहा इसके नीचे। अब यहां क्या है, थीटा लिखिए, A लिखिए, B लिखिए, that doesn't matter। तो I think ये सारा कुछ आपको क्लियर है, देखो आपको याद ये रखना है, याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, sin थीटा perpendicular upon hypotenuse always, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस ऑलवेज, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ऑलवेज, समझ गए। अच्छा कुछ चीजें और हैं, उसी के साथ मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो तीन तो आपको याद हो गया ना, कौन कौन सा, साइन कॉस टैन, आ गया ये क्या लिखा, कोस सेकेंड ऑफ थीटा, तो कोस सेकेंड ऑफ थीटा ना साइन का उल्टा, आपको याद है आपने साइन क्या लिखा था, साइन के ऊपर आपने क्या लिखा हुआ था, साइड अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनस, तो इसको रिवर्स करो, मतलब कि हाइपोटेनस को ऊपर डालो, ये हो जाएगा देखो हाइपोटेनस, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, हाइपोटेनस अपॉन में क्या हो जाएगा, साइड अपोजिट टू थीटा हो जाएगा, साइड अपोजिट टू थीटा, क्लियर। चलो सेकंड, कॉस का उल्टा, अरे कॉस क्या था, कॉस क्या था बताओ, कॉस क्या था सर, कॉस था साइड एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस को ऊपर भी दो, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, और वो साइड एडजेसेंट आ जाएगा नीचे, साइड एडजेसेंट टू थीटा, क्लियर। अच्छा आगे देखिए, कॉटेंजेंट सर, तो टैन का उल्टा,
टेन क्या क्या था आपको टेन क्या था टेन टेन क्या था टेन क्या था टेन था सर साइड अपोजिट अपॉन दिस साइड एडजेसेंट, तो इस वाला साइड एडजेसेंट ऊपर जाएगा, लिखिए ना साइड एडजेसेंट टू थीटा अपॉन दिस साइड अपोजिट टू थीटा। अब चलो यहां पर डालो हाइपोटेन्यूज तो कौन है, हाइपोटेन्यूज ना रजिस्टर्ड है उसकी, वो कभी नहीं बदलता, ए से ही रहेगा। साइड अपोजिट टू थीटा क्या है भाई, तो बी सी है, तो लिख दो बी सी। इधर देखो हाइपोटेनस क्या है, एसी है, लिखिए एसी। साइड एडजेसेंट कौन सा है, एबी है, तो लिखिए एबी। इधर देखो साइड एडजेसेंट कौन है, एबी है, तो ये रहा एबी। और साइड अपोजिट क्या है, बीसी है, तो लिखो बीसी। और वही वाली बात को रिपीट करूंगा, एसी क्या हाइपोटेनस ना, इसको आप एच लिखेंगे। बीसी क्या परपेंडिकुलर ना, इसको आप पी लिखेंगे। अच्छा एसी क्या हाइपोटेनस, एबी क्या देख के बताओ बेस, इसको आप बी लिखेंगे। एबी क्या, अरे बेस, तो बेस को क्या लिखते हो, बी लिखते हो। और बीसी, बीसी इज परपेंडिकुलर, तो इसको आप पी लिखेंगे। क्लियर, तो हो गए ना तैयार तीन फिर से। अब इतना बड़ा नहीं याद रखना आपको, अब डरो मत, इतना बड़ा आपको बिल्कुल नहीं याद रखना। आप इसके बदले क्या याद रखते हो, कॉसेकेंट आप याद नहीं रखते, आप याद रखते कॉसेक, क्या बोलो बोलो कॉसेक। तो कॉसेक थीटा हो गया आपका एच बाई पी। सेकेंड आप याद नहीं रखते, आप याद रखते हैं सेक थीटा। अब सेक थीटा हो जाता है क्या, एच बाई बी। अच्छा आप कोटेंजेंट याद नहीं रखते, आप याद रखते हैं क्या, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या हो जाने वाला है, बी बाई पी। तो छह ये सॉरी थ्री ए थ्री वो मिला करके सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर देयर। आप बोलो इसके लिए ट्रिक दे दो सर, अरे जरूरत नहीं, आपको बस याद ये रखना है। देखो क्या याद रखना है, इस साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ठीक है। और क्या याद रखना है, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा हो गया सेक। और क्या याद रखना है, तो टेन का उल्टा होता है कॉट, ये याद रखना है। और बेसिक इनके बारे में तो आपको पता है, याद भूल गए कैसे बताया था भाई, सारे चॉकलेट तुम्हारे, और क्या था भूल गए, नहीं याद है भूल गए, वो आप याद कर लेना, बड़े काम की चीज है वो। तो दैट मीन साइन अपना पी बाई एच था, कॉस अपना बी बाई एच था, टेन अपना पी बाई बी था। तो कॉसेक इसका उल्टा, जिसको आप लिख लोगे एच बाई पी, सेक इसका उल्टा एच बाई बी, कॉट इसका उल्टा पी बाई पी। और यहां पे एंगल तो कुछ भी, कौन सा एंगल कुछ भी का मतलब है कि कहीं से उठा के लेके आ गया, नहीं नहीं, जिस एंगल से ऑब्जर्वेशन चलेगा वो एंगल लिखना है। क्लियर, तो चले आज के क्लास में इतना ही पढ़ेंगे हम लोग।